नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले एक खिलाड़ी को बीसीसीआई के दिशा निर्देशों को तोड़ना भारी पड़ गया, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी रिंकू सिंह ने अबू धाबी में एक अनाधिकारिक T20 लीग में हिस्सा लिया। खास बात ये थी कि रिंकू सिंह ने बीसीसीआई की अनुमति के बिना इस लीग में हिस्सा लिया था। यही वजह थी कि रिंकू सिंह को बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। रिंकू पर यह निलंबन 1 जून से लागू हो जाएगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि रिंकू सिंह बिना इजाजत के T20 लीग में शामिल हुए। उन्होंने बीसीसीआई नियम और दिशा निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया था, इसलिए रिंकू सिंह को तत्काल प्रभाव से 3 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। रिंकू पर यह निलंबन 1 जून से लागू होगा। आपको बता दें कि इस निलंबन के बाद फिलहाल रिंकू सिंह को इंडिया ए टीम से भी बाहर कर दिया गया है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज में खेलना था। रिंकू सिंह के उल्लंघन पर बीसीसीआई ने बयान में यह भी कहा कि बीसीसीआई भविष्य में इस तरह के उल्लंघन सहन नहीं करेगा, और अगर कोई खिलाड़ी नियम और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।